दोस्तों, जैसा हमने आप सबके साथ प्रॉमिस किया था कि हमारे जो मेहमान है वो आज भी बने रहेंगे, तो वो आज भी बने हुए हैं। प्लीज वेलकम मिस्टर सलमान खान, अरबाज खान एंड सोहेल खान। तो अब वक्त है उन्हें स्टेज पर इनवाइट करने का, जिन्होंने हिंदी सिनेमा के इतिहास में राइटर्स का नाम जो है वो फिल्म स्टार से भी ऊंचा कर दिया, जिन्होंने साबित किया कि फिल्में सिर्फ एक्टर के नाम से ही नहीं बल्कि कहानी के दम से चलती हैं। भले लोग फिल्म स्टार्स के पीछे भागते हो, लेकिन फिल्म स्टार जो है वो इनकी लिखी कहानी के पीछे भागते थे। सो प्लीज वेलकम हिंदी सिनेमा में एक राइटर को उसका मुकाम, उसका हक और उसका सम्मान दिलाने वाले, सुपरहिट फिल्मों की झड़ी लगाने वाले, द वन एंड ओनली लिविंग लेजेंड सलीम खान साहब। सलीम साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। बड़ी सालों से हमारी तमन्ना थी कि सलीम साहब हमारे शो पे आए, तो दो बार शो शुरू किया, बंद हो गया। तो आज हमारी किस्मत में शायद लिखा था कि इस सीजन में सलीम खान साहब जो हैं वो हमें यहाँ पे दर्शन देंगे। जोरदार तालियां सलीम साहब के लिए। सर, सबसे पहले तो हिंदी सिनेमा को जो आपने एक नई पहचान दी है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और मैं अगर फिल्मों के नाम गिनाने पे आऊं तो शायद बहुत बहुत समय जाएगा। ये ऐसी फिल्में हैं मेरे ख्याल से जो माइलस्टोन है, एक एक फिल्म पे तालियां बनती हैं। यादों की बारात, हाथी मेरे साथी, जंजीर, दीवार, शोले, त्रिशूल, डॉन, काला पत्थर, ना जाने कितनी ही यादगार फिल्में जो हैं सलीम साहब ने लिखी हैं। ये हिंदी सिनेमा का वो दौर था जब सलीम जावेद साहब की जोड़ी किसी भी एक्टर या किसी भी डायरेक्टर से बहुत बड़ी मानी जाती थी। तो सर, मैं बहुत सालों से ये तमन्ना भी थी कि जब आपसे मुलाकात होगी तो ये सवाल आपसे पूछा जाएगा कि आपने इतनी सारी फिल्में लिखी सर, उस समय जब आप सर फिल्में लिखते थे तब आप एक्टर को ध्यान में रखते थे या? दोनों तरीके से होता है वो। अच्छा जी। कई मतलब आपके पास एक सब्जेक्ट होता है, उसमें बहुत अच्छा कैरेक्टर होता है जी, देन यू थिंक कि इसके लिए बहुत ही मौजू कैरेक्टर कौन होगा जी, देन आप उसको अप्रोच करते हैं जी। जब जंजीर की स्क्रिप्ट कंप्लीट हुई तो सबसे पहले मैंने दिलीप साहब को कॉन्टेक्ट किया। अच्छा जी। तो किसी वजह से उन्होंने नाइन कर दिया ना। तो इसके बाद फिर हमने धर्मेंद्र जी को सुनाई, वो किसी वजह से नहीं कर सके। फिर हमने देव साहब को सुनाई। अच्छा जी। प्राण साहब के घर पे, तो वहाँ पूरी कहानी सुनाई। तो देव साहब बाहर निकले, कंधों पे हाथ रखा और कहा कि इट्स अ वेरी गुड स्क्रिप्ट, किसी भी वजह से अगर मैं इनकार करूँ तो इट शुड नॉट रिफ्लेक्ट ऑन द स्क्रिप्ट। ओके। कहानी बहुत अच्छी है एंड विश यू ऑल द बेस्ट। फिर मैंने राजकुमार साहब को सुनाई। अच्छा जी। उन्होंने कहा जानी ये तो तुम हमारी कहानी ले आए। राजकुमार साहब बहुत ही इंटरेस्टिंग आदमी थे। इनकी एक पिक्चर बन रही थी उल्फत। अच्छा। तो उसमें साधना जी थी, वहीदा रहमान थे, तो उन्होंने उनको खाने पे बुलाया। अच्छा जी। तो खाना लगने लगा तो साधना जी ने कहा राज साहब खाना खाइए। तो कहे नहीं नहीं आप खाइए, कुछ तो खाइए, थोड़ा सा तो खाइए। तो नहीं नहीं आप लोग खाइए। तो कहने आप खाना तो खाते होंगे ना? यानी खाना तो हम खाते हैं मगर इसका मतलब ये नहीं कहीं भी कुछ भी खा लें। सलीम साहब यहाँ पे मौजूद हों और हम शोले की बात ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता। सर, जैसे कहा जाता है कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, तो शोले हमारी राष्ट्रीय फिल्म है। और पाजी, एक वाहिद ऐसी फिल्म है कि जिसके नॉर्मली क्या होता है कि फिल्म स्टार जो इसमें कास्ट किया गया मेन हीरो है बच्चन साहब है या धर्म पाजी है, वो तो चलो इस फिल्म में बाखूबी उन्होंने काम किया ही। इस फिल्म में घोड़े तक फेमस हुए, धन्नो आज तक याद है हमें। अच्छा, जिन्होंने एक डायलॉग बोला वो भी फेमस, कि सरकार मैंने आपका नमक खाया। अच्छा, जिन्होंने आधा डायलॉग बोला वो भी फेमस, पूरे 50,000। अच्छा, जिन्होंने आधा भी नहीं बोला सिर्फ गोली खाई वो भी फेमस। मतलब ये कमाल हुआ था, इसके लिए तो पहले तालियां बनती है। शोले आने के बाद हिंदी सिनेमा का तो रूप बदल ही गया सर, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए शोले के आने के बाद? दिमाग खराब हो गया। मैं आपको फिल्म इंडस्ट्री में, आप किसी पार्टी में हो जी और आपको फिल्म के बारे में ना मालूम हो जी कि क्या चल रहा है, कौन सी पिक्चर हिट हुई, और हीरो की अगर हिट हो गई है जी तो उसकी एंट्री पे समझ में आ जाएगा कि इसकी फिल्म हिट हो गई है जी। <laughs>
जी कैसे हो भाई? मैं ठीक हूँ जी। सब ठीक? जी सब ठीक। कीप इट अप। एंट्री हुई जी, पिक्चर फ्लॉप हो गई, आपको नहीं मालूम? सर हमारे लिए भी कुछ करिए। वो अभी भी है, वो चेंज नहीं हुआ। जब शोले के बारे में आपने पूछा, शोले में भी बहुत से लोगों ने, किसी ने दो डायलॉग बोले थे, किसी ने तीन डायलॉग बोले थे जी। तो एक उनमें से एक एक्टर को मैं जानता था, उनका था अच्छा खासा मकान था, दो तीन उसका रूम का। अच्छा जी। कुछ छोटा सा रोल निकला तो मैंने उनको फोन किया। अच्छा जी। तो नौकर ने कहा कि कौन सा बोल रहे हैं? मैंने कहा मैं सलीम खान बोल रहा हूँ। कहने में मैं देख के बताता हूँ कि वो है क्या नहीं है। दो बेडरूम का मकान था। अच्छा जी। तो मैंने कहा क्या वानखेड़े स्टेडियम में रहते हैं क्या? अच्छा जी। मतलब मैंने कहा ना हमारा तो दिमाग खराब होना ही था, उसका हो गया जिसने एक डायलॉग बोला था। सिद्धू साहब तो क्रिकेटर हैं जी, मुश्ताक अली साहब एक बहुत अच्छे क्रिकेटर थे। अच्छा जी। तो इंदौर के थे, उनके साथ हम खेले भी थे, उन्होंने हमें सिखाया भी था। तो वो जब बॉम्बे आते थे तो मेरी आँख पर जरूर आते थे। अच्छा जी। तो वक्त पे कोई बात चल रही थी कि वक्त क्या होता है, तो उन्होंने कहा सलीम मियां मैं आपको सुनाऊँ वक्त क्या होता है। मैंने बताइए जी। कि जब अच्छा वक्त आता है तो जहाँ बॉल पड़ती है वहाँ आदमी बैट नहीं घुमाता, जहाँ बैट घुमाता है वहाँ बॉल पड़ती है। क्या बात है। सलीम साहब हमने सुना है जैसे अरबाज भाई भी कोई क्रिकेट का बड़ा शौक था, फिर सिंगिंग का भी हो गया, तो फिर कंफ्यूज भी थे मैंने सुना कि बहुत कंफ्यूज थे। एक दिन आए भी मेरे पास। अच्छा जी। तो मेरे ख्याल से म्यूजिक टीचर भी आते थे कोई सिखाने ना? आए आए म्यूजिक टीचर आते थे सिखाने ना? कैन आई टॉक टू यू? जी जी। कैन आई टॉक टू यू डैडी? वो जो इनको सिखा रहा था अपना मास्टर जी म्यूजिक, उसके लिए इनके लिए मास्टर रखा था, और खार जिम खाना में इनकी एंट्री करा दी थी कि रोज जाते थे करने प्रैक्टिस। अच्छा जी। क्रिकेटर्स काफी जानने वाले हैं हमारे, तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलता था। तो दोनों तरफ से चल रहा था, तो जो गाना गाता था वो सिखाने आता था जी, वो नाक में गाता था। अच्छा जी। मेरे ये उसको रिपीट करते थे, तो ये भी गाते थे मेरे तो वो कहता था इनसे नाक में मत गाओ। हलक से गाओ, हलक से, नाक में मत गाओ। तो ये आए मेरे पास, तो कहा कि डैडी मैं एज ए करियर व्हाट डू यू थिंक आई शुड पिक अप, म्यूजिक और सिंगिंग और क्रिकेट जी। तो मैंने कहा बेटा तुम क्रिकेटर बनो। ही सेड हैव यू सीन मी बैटिंग? आई सेड नो, आई हर्ड यू सिंगिंग। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।